क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 10 साल के बाद आपकी सैलरी एक करोड़ हो जाती है या फिर आपका करियर एंड हो जाता है और आपको नए इंजीनियर से रिप्लेस कर दिया जाता है क्या आपको पांच साल के बाद कुछ भी कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस पे कितना सैलरी मिलता है और किस टाइप का काम होता है ये सब जानने के लिए मैं भी कॉलेज में काफी क्यूरियस रहता था बट नाउ देट आई हैव फाइव इस ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री आईव गॉट अ रियली गुड आइडिया अबाउट दिस सो लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ इट इन दिस वीडियो फर्स्ट स्टेप इज आप बनते हैं एक इंटर्न आप कॉलेज में होते हो थर्ड या फोर्थ ईयर में और आप किसी कंपनी में इंटर्न बन के जाते हो ताकि वहां जाके आप कुछ काम सीख पाओ और देख पाओ कि कंपनी में काम एक्चुअली होता कैसे है किस टाइप का काम होता है ये इंटर्नशिप दो महीने की भी हो सकती है या छह महीने की भी हो सकती है इंटर्नशिप में मोस्टली आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है की जो भी आपको काम मिलेगा जो भी आप प्रोजेक्ट में असाइन हो उसमें आप कॉन्ट्रीब्यूट करो मेनली अपने कोडिंग स्किल्स के थ्रू एंड जिस टाइप का काम और जिस टाइप के प्रोजेक्ट आप कॉलेज में करते हो, के में आपको कुछ सैलरी भी मिलती है जिसको बोलते हैं. और बड़ी एमेजोन माइक्रोसॉफ्ट गूगल आपको 1 to 1 per month देती इंटर्नशिप के टाइम आजकल ये बहुत बढ़ गया है मेरे पे चालीस हजार ही मिलता था एंड अगर आपका इंटर्नशिप में परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको फुल टाइम ऑफर भी मिल सकता है जिसको की पीपीओ यानी कि प्री प्लेसमेंट ऑफर भी बोला जाता है नेक्स्ट इज जब आप कॉलेज से पास आउट हो जाते हो आप फ्रेशर होते हो तो आप बनते हो एस डी वन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर वन कुछ कंपनीज में इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बोल दिया जाता है इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी और इस रोल में आपका मेनली काम रहता है कि नए फीचर्स एड करना उसके लिए कोडिंग करना हाई क्वालिटी प्रोडक्शन लेवल कोड लिखना और बग्स को हैंडल करना बग्स को करना इस रोल में आपसे मेनली कोडिंग ही एक्सपेक्ट की जाती है कुछ डिजाइनिंग पार्ट या आर्किटेक्चर वाला पार्ट नहीं एक्सपेक्ट किया जाता बिकॉज द फर्स्ट स्टेप टू दू अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज टू राइट गुड हाई क्वालिटी कोड आप बाकी सीनियर इंजीनियर के साथ काम करके नई नई चीजों को सीखते हो एंड क्योंकि आप इंडस्ट्री में नए होते हो आप फ्रेशर होते हो तो आपको काफी चीजें सीखने को मिलती है एंड एस को सैलरी कितनी मिलती है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी बट कंपनीज लाइक गूगल एमेजोन माइक्रोसॉफ्ट ये अराउंड आपको 12 से 16 लाख के बीच में बेस पैकेज दे दी

बाकी टीम से बात करके देखना होता है हम अपनी टीम के सिस्टम को और को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं बात करें सैलरी की तो आपको एस डी टू सेवेंटी सैलरी मिलती है थर्टी टू फोर्टी लैक्स बेस मिल जाता है एंड स्टॉक्स बोनसेस मिला के टोटल पैकेज अराउंडी टू सिक्स पर ईयर हो जाता है बट वन थिंग टू नोट इज की एस डी टू रोल में आके आप किसी एस डी वन को लीड नहीं कर रहे होते आप उनके मैनेजर नहीं होते आप बस उनको गाइड कर रहे होते हो उनको मैनेज करने के लिए आपको मैनेजर 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 बनना होता है 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 ताकि वो आपके अंडर काम करें और एक लेवल बन सकता सकता कोई भी SD2 वाली लाइन में जा सकता है, उसकी मर्जी है उसकी बात हम बाद में करेंगे पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग वाली लाइन एंड बिफोर मूविंग ऑन विद्यो हम किसी भी रोल में हो चाहे इंटर्न हो चाहे एस हो चाहे टू हो हमें अपने स्किल्स पे काम करते रहना पड़ता है एंड स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू क्रायो मेरा पर्सनली ये मानना है कि प्रोग्रामिंग सीखने का बेस्ट वे है प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना एंड क्रायो ऑफर्स यू एग्जैक्टली दैट

क्रायो का फुल स्टैक या बैक एंड डेवलपमेंट कोर्स में आपको रियल लाइफ प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स बनाने को मिलेंगे लाइक like आप देख सकते हो यू विल गेट टू वर्क लाइक अ फुल स्टैक डेवलपर एट अमेजोन और यू कैन बिल्ड एन ओ टी प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स एंड क्रायो आपको गारंटीड प्लेसमेंट ऑफ़र भी करेगा इन टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ फुल स्टैक प्रोग्राम में आप ये सब मास्टर करोगे एंड बैक एंड डेव में आप ये सब टेक्नोलॉजीज़ को करोगे यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि सब रियल लाइफ में यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज हैं आपको पर्सनलाइज करियर असिस्टेंस भी मिलेगा एंड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपके रेज्यूमे में मल्टीपल प्रोजेक्ट होंगे बहुत सारे डेव स् होंगे आपके पास एंड यूलटास्टिक गेटअप प्रोफाइल यू कैन यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो टू गेट टेन परसेंट एडिशनल डिस्काउंट नाउ लेट्स गो बैक टू दीडियो एस डी टू रोल में चार से पांच साल बिताने के बाद आप बन जाते हो एस डी थ्री थ्री रोल में ही चला जाता है। आपको टीम में, में भी ज्यादा हेल्प करनी पड़ती है इंटरव्यूज लेने पड़ते हैं आपको टीम की प्लानिंग करनी होती है की क्या क्या प्रोजेक्ट हम करेंगे कैसे हम अपने सिस्टम को और डेवलप करेंगे हर एक टीम का एक ही एस होता है और एस को टीम का टेक लीड भी बोल दिया जाता है इस रोल में आके आप पूरी टीम को गाइड कर रहे होते हो किसी भी इंजीनियर को एस या एस कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो सोल्यूशन लेने के लिए आपके पास आ सकते हैं आपको पूरी टीम की हेल्प करनी होती है बट इस रोल में भी आप किसी डेवलपर को मैनेज नहीं कर रहे होते यू आर एन इंडिविजुअल इसमें आपकी सैलरी से अराउंड टू बढ़ जाती है और आपका बेस अराउंड अराउंडी टू सिक्स हो जाता है अच्छी कंपनीज में लाइक गूगल माइक्रोसॉफ्ट एमेजॉन ये सब कंपनीज में आपका बेस इतना तो हो ही जाता आता है एंड अगर स्टॉक्स एंड बोनसेस मिलाएं तो आपकी टोटल सैलरी अराउंड 70 टू 80 लैक्स हो जाती है एंड इस लेवल पे काफी टाइम बिताने के बाद शायद आपको पांच साल लग जाए या दस साल या पंद्रह साल आप बन जाते हो प्रिंसिपल इंजीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर बन के अगेन आपकी सैलरी अराउंड सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट बढ़ जाती है और आपका इन्फ्लुएंस अक्रॉस मल्टीपल टीम्स हो जाता है एस थ्री एक टीम का होता है तो प्रिंसिपल इंजीनियर के अंडर मल्टीपल टीम होती है प्रिंसिपल इंजीनियर बनना इज नॉट ईजी एंड सब लोग नहीं बन पाते शायद एमेजन इंडिया में भी अराउंड मैक्सिमम फिफ्टी ही प्रिंसिपल इंजीनियर है एंड प्रिंसिपल इंजीनियर के बाद आप बनते हो सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर फिर आप बनते हो डिंग्विस्ट इंजीनियर लेकिन वो सब बहुत दूर की बात है तो उसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे और अब हम फाइनली बात करते हैं कि आप मैनेजर कैसे बन सकते हैं तो देखो अब ध्यान से सुनना। जब भी आप एस होते हो लेवल फाइव पे होते हो तब आपके पास ऑप्शन होता है की आपको या तो इंजीनियरिंग लाइन में जाना है या फिर आपको मैनेजेरियल लाइन में जाना है अगर आपको मैनेजेरियल में जाना है तो जाके आप अपने मैनेजर को बोल सकते हो की मुझे मैनेजर बनना है तो आप एक लेवल फाइव मैनेजर बन जाते हो जिसको कि एल फाइव भी बोला जा

है आपको देखना होता है कि क्या प्रोजेक्ट मेरी टीम लेगी प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना होता है हायरिंग में हेल्प करनी होती है इस रोल में आके ना आपको कोडिंग करनी होती है ना सिस्टम डिजाइन ना आर्किटेक्चर कुछ भी टेक्निकल काम ऐसा आपको नहीं करना होता इस रोल में आके आपको थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स सीखने पड़ते हैं कि कैसे आप अपने अंडर जो लोग हैं उनको खुश रखो ताकि वो छोड़ के ना चले जाएं कैसे उनको मोटिवेटेड रखो कैसे उनका एक वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखो ज्यादा प्रेशर ना आए किसी पे आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ता है सो द स्किल्स सेट रिक्वायर्ड इज क्वाइट डिफरेंट एंड एक एल फाइव एस डी एम की सैलरी इज सेम एस एल फाइव एस डी टू तो जितना को मिलता है एंड जब आप लेवल फाइव एस डी तीन से चार साल बिता लेते हो तब आप बन जाते हो लेवल लेवल एस डी एम काम भी काफी सिमिलर होता है लेवल फाइव एस डी एम के बस जो टीम का साइज होता है आपके अंडर वो बड़ा हो जाता है अब आप ज्यादा लोगों को लीड कर रहे होते हो आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी होती है टीम की क्या क्या प्रोजेक्ट पिक करने हैं क्या, क्या क्या काम करना है वो सब आपको डिसाइड

डायरेक्टर जिसमें की और ज्यादा टीम्स आती हैं आपके अंडर फिर आप बन जाते हो बीपी देन सीनियर बीपी और अगर भगवान ने चाहा तो आप शायद सीटीओ भी बन जाओ हलवाई क्या डीआरडी लगा जा मैंने दो और वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने डिटेल में कंपेयर किया है एस वन का और एस टू का, का काम और एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि एक एस वन कैसे एस टू बन सकता है उसका रोड मैप बताया है इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना कुछ भी आपको क्वेश्चन हो तो कॉमेंट्स में आप पूछ सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अंडिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय सी यू सो